हेलो बच्चों, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर। चलिए अब हम पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन, ठीक है। इससे पहले हमने कंसंट्रेशन से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कर दी है, उसको आप प्लीज जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तब ही आप अगली वीडियो देखो तो आपको और भी चीजों की समझ बनेगी, ठीक है। और भी वीडियोज आएंगे जिसमें हम लोग क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन आते रहेंगे। तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो सो दैट कि जो नोटिफिकेशन आपको फ्यूचर में मिल जाए। और कोई स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनानी है मैथ्स और केमिस्ट्री में, 9-10 से रिलेटेड जो भी बनानी है आप कमेंट करके कह सकते हो, सो दैट कि आपके छोटे भाई बहनों के भी ये चैनल काम आ सके, ठीक है। तो मेरा नाम है रविशंकर और आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है बेटा जी। चलिए नेक्स्ट, तीन टॉपिक हमारे हो गए थे तो चौथा टॉपिक है, चलो अच्छा सा टॉपिक ले लेते हैं, मोलैरिटी का टॉपिक ले लेते हैं। अच्छा और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक भी है बेटा, इसको आपको समझना भी पड़ेगा क्योंकि इसमें आगे चल के मैं आपको दो केस भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। यूजुअली ये आपको कहीं पे जल्दी से नहीं मिलता है। एक हो जाएगा डाइल्यूशन का केस, ये मैं सिखाऊंगा आपको, और एक बेटा जी आपको मैं मिक्सिंग का भी केस सिखाऊंगा। तो ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट प्रेजेंट प्रेजेंट इन इन वन लीटर ऑफ, या फिर पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, आगे पीछे लगा देना इट इज डिफाइंड एज वगैरह ये सब। तो ये आपकी बेटा जी ये डेफिनेशन हो गई, ठीक है। पहले बता देते हैं, तो इसका देखो फॉर्मूले में कन्वर्ट करो तो मोलैरिटी का फॉर्मूला बनेगा, ऊपर में मोल ऑफ सॉल्यूट आप ले रहे हो, नीचे में आप ले रहे हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये ले रहे हो आप लीटर में, ठीक है। तो इसी से आपका देखो आपका यहां से ये फॉर्मूला बन गया बेटा, यहां ही से इसका एसआई यूनिट भी डिराइव हो सकता है। कैसे हो सकता है ये देखिए आप, ये हो गया मोल मोल पर लीटर, ठीक है, इन शॉर्ट मोल पर लीटर, ठीक है, या फिर ऐसे भी मोल लीटर इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, या फिर मोल डीएम माइनस थ्री, तो बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। बाकी मोलर लिख लेते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करते बेटा इसको, ठीक है। अच्छा ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ना, इसी को ऐसे भी लिख सकते बेटा जी, मोलैरिटी बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बट सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर ml में आप लेते हो तो आपको बस ये करना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो मोलैरिटी को डिनोट करने का जो सिंबल है कैपिटल M से, इसको डिनोट करते हैं, ये सब चीजें होगी हमारी मोलैरिटी से रिलेटेड, ठीक है। चलिए इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो चीजें और बेहतर समझ में आएंगी आपको। ये देखो बेटा, ओके, एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि भाई मान लो कि एक सॉल्यूशन है, आ सॉल्यूशन, एक काम करते हैं हम क्वेश्चन ले लेते हैं यहां से, ओके बेटा जी। तो ये आपकी एनसीईआरटी की बुक, ओके, ये देखो बेटा, ठीक है, होपफुली आपको अच्छे से दिख रहा होगा क्वेश्चन। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म। देखो यहां पर इस क्वेश्चन में अगर बात करें, आपको मोलैरिटी ऑफ NaOH, NaOH यहां पे सॉल्यूट हो जाएगा, और 4 ग्राम मतलब मास ऑफ सॉल्यूट, तो वेट लिखेंगे इसको, मास ऑफ सॉल्यूट हो गया आपके पास 4 ग्राम, तो मोल ऑफ सॉल्यूट बेटा निकल जाएगा, तो 4 अपॉन में NaOH का मोलर मास आप कैलकुलेट कर लेना, ये आएगा 40, कितना आएगा 40, तो 1/10 हो गया, ठीक है।
उसके बाद बेटा जी ये देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके सामने है 250 ml, 250 ml। तो मैंने कहा था यार ml में अगर हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला लेना है, इनटू 1000 कर देना, ठीक है। तो देखो बच्चों, तो मोलैरिटी निकालना है आपको, तो मोल ऑफ सॉल्यूट ले लो ऊपर, नीचे में 250 और इनटू में 1000, इनटू में 1000। तो देखो बच्चों यहां पर एक जीरो से एक जीरो इसको कट कर देना, तो ये देखो 100 ऊपर आ जाएगा और 25 इंटू में 10, 25 के टेबल में ये 4 पे जाएगा, तो आंसर 0.4 मोल पर लीटर या फिर मोलर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हो यहाँ पे 0.4 मोलर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया मींस 0.4 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये इसकी मीनिंग आ गई, क्लियर है। ठीक है, मोलैरिटी का ये क्वेश्चन था आपका। ओके ठीक। अब देखो मोलैरिटी में थोड़ा सा आपको एक दो चीज और समझनी पड़ेगी, जैसे मिक्सिंग का कंसेप्ट क्या है और डाइल्यूशन का कंसेप्ट क्या है। तो पहले डाइल्यूशन का कंसेप्ट को समझाते हैं। डाइल्यूशन आप लोगों ने सुना होगा थोड़ा बहुत, कि डाइल्यूशन का मतलब होता है वाटर का ऐड कर देना किसी सॉल्यूशन में, वाटर का ऐड कर देना। जैसे मान लो कि कोई एक सॉल्यूशन है, आपके पास, ठीक है, देखो बेटा जी मान लो कि ये कोई एक सॉल्यूशन है इसके अंदर, है ना, कोई एक सॉल्यूशन है HCl का ही ले लो, मान लो कि HCl है और ये ना 0.1 मोलर है और ये है आपका 200 ml, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, इसमें वाटर ऐड कर रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो इसको, इसमें आप वाटर ऐड कर रहे हो। HCl आप ऐड नहीं कर रहे हो, आप सॉल्यूट को, सॉल्यूट के अमाउंट को चेंज नहीं कर रहे हो। तो देखो फाइनली जो नया वाला सॉल्यूशन होगा ये इसका कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगा, M2 हो जाएगा इसका। मान लो ये कुछ M1 था वैल्यू और वॉल्यूम V1 है, तो जो फाइनल कंसंट्रेशन कुछ M2 हो जाएगा और वॉल्यूम तो पता हो जाएगा ना, क्योंकि पहले कितना था 200 था और बाद में कितना हो गया, मान लो आपने 100 ऐड किया तो 300 हो जाएगा। तो एक रिलेशन होता है इनिशियल और फाइनल में, दैट इज रिलेशन इज व्हाट, रिलेशन इज दिस M1V1 बराबर M2V2, ठीक है। ये हो गया बिफोर डाइल्यूशन, ये क्या है, ये बिफोर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन से पहले, और ये है आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के बाद, आफ्टर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के बाद। तो बड़े ही आसानी से यहां पर इसका आंसर निकल जाएगा। देखो डाइल्यूशन से पहले है 0.1 इंटू में 200 और ये है M2 निकालना है और ये हो जाएगा 300। दो जीरो से दो जीरो आप उड़ा दो तो 0.2 अपॉन में 3 M2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 0.066 मोलर, ठीक है बेटा जी। ये हमारा आंसर आ गया सेकंड। तो आप देख रहे हो ना डाइल्यूशन करने से कंसंट्रेशन घट गया, पहले कितना था 0.1 था, अब 0.06 है। तो आपने 10th में पढ़ा भी होगा ना कि डाइल्यूशन करने से जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाता है, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है। तो ये बेटा डाइल्यूशन का कंसेप्ट था। और एक और कंसेप्ट है इसका, दैट इज मिक्सिंग। अब मिक्सिंग का क्या मतलब है, मिक्सिंग का ये मतलब है कि मान लो कि दो सॉल्यूशन है HCl के, दो सॉल्यूशन है, हाँ बेटा सेम चीज को मिक्स करते हैं, अलग अलग को मिक्स करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर रिएक्शन वगैरह देखनी पड़ती है वहां पे। मान लो कि हाँ ये देखो हम 3 कंटेनर मैंने बना दिए, चलो ये बड़ा बना देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यार, इसके अंदर जो HCl है देखो ध्यान से, इसके अंदर है 0.2 मोलर और 400 ml
HCl है, ठीक है, और ये वाला HCl है 0.3 मोलर 200 ml, ठीक है, HCl ही है, दोनों को ऐड कर रहे हैं, मतलब मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, और ये नया वाला बना रहे हैं। तो आपने फिर से क्या किया, जो HCl के जो मोल है वो जुड़ जाएंगे ना बेटा, जितने मोल यहां पर है और जितने मोल यहां पर वो जुड़ जाएंगे। तो मेनली यहां पर जो देखो, पहले देख लेते हैं, यहां पे मोलैरिटी M3 हो जाएगा, हाँ वॉल्यूम V3 ये हो जाएगा, देखो जुड़ जाएगा 400 और 200 600 हो गया, ठीक है, HCl ही रहेगा। तो यहां पे क्या केस होएगा, देखो यहां पे जो HCl के मोल होंगे वो N3 हो जाएगा, और यहां पर N1 था और इधर जो है वो N2 था। सिंपल सी चीज है, जुड़ रही है, एडिटिव प्रॉपर्टी हो गई है। तो बेटा एक चीज देखो, हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला तो ये पढ़ा ना, m बराबर n अपॉन में v, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं n बराबर में m मल्टीप्लाई v, लिख सकते हैं ना, क्योंकि मोलैरिटी अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम है तो उसको नॉर्मल मोल्स को मोलैरिटी इंटू में वॉल्यूम आप लिख सकते हो। तो दैट मींस देखो ये n1 को m1 v1, n2 को m2 v2, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो कहने का मतलब है कि जो M3 V3 की वैल्यू है वो M1 V1 प्लस M2 V2, ऐसे एक रिलेशन आपके पास आ जाती है। तो ये हमारे पास एक और फार्मूला बन गया मिक्सिंग के केस में। आप बस इतना सा ध्यान रखिएगा, ये कंपाउंड सेम होने चाहिए, HCl है तो HCl ही, HNO3 है तो HNO3, अलग अलग को नहीं करोगे, फिर सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा बेटा कितने प्रोटॉन है कितने क्या है, वो सब धीरे धीरे हम सीखेंगे आगे बढ़ते बढ़ते, ठीक है। क्वेश्चन के माध्यम से भी हो सकता है आपको मैं सिखाऊंगा, हो सकता है किसी क्वेश्चन में वैसा कुछ आ जाए तो वहां पर आपको मैं मेंशन कर दूंगा कि हाँ इसमें ये नई चीज आ रही है। तो आप बने रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए चीजों को अच्छे से। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे हम निपटा देते हैं, देखो कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा। M3 आपको निकालना है और V3 देखो 600 हो गया, M1 था 0.2 और V1 है 400, M2 है 0.3 और V2 है 200, तो ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, देखो एक सेकंड बेटा जी, 80 प्लस 60 और यहां पर आ जाएगा 600, ठीक है, ओके। M3 बराबर 140 अपॉन में 600, ओके, व्हाट इज दिस, क्या हुआ इसमें, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 7 अपॉन में 30, ठीक है बेटा जी। तो M3 की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/30, इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट करना है तो नोट कर लीजिए, वन सेकेंड, इसमें शायद कोई दिक्कत हो गई है रे, ठीक है बेटा जी। तो होपफुली आपने लिख लिया होगा, ठीक है, नहीं लिखा है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये मैं स्टार्टिंग में लिखवा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मोलैरिटी हमारा खत्म हो गया, अब दो ही बचे हैं, मोलैलिटी बचा और नॉर्मैलिटी, ठीक है, ओके, धन्यवाद।